नमस्कार मित्रों, आज शुरुआत करते हम दैनिक जागरण न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 2 सितंबर 2022 और आज का दिन है शुक्रवार। तो हम विस्तृत विश्लेषण करने से पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि आज हम इस न्यूज में क्या क्या देखने वाले हैं। तो हम शुरुआत करेंगे हमारी पहली खबर से कि NIA ने दाऊद इब्राहिम को क्यों किया आतंकवादी घोषित और इस पर क्यों रखा 25 लाख रुपए का इनाम। फिर हम देखेंगे कि मिराज, जगुआर और MiG-29 की जगह क्यों लेंगे LCA Mark II जगह। फिर हम देखेंगे कि भारत की क्या है दोधारी नीति रूस व अमेरिका को लेकर। फिर देखेंगे हम कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर क्यों है दक्षिण एशिया चिंतित और इससे संबंधित अन्य पहलुओं को देखेंगे कि क्या कहती है बोरलॉग इंस्टीट्यूट और साउथ एशिया की पहल। फिर देखेंगे हम कि क्या है गर्भाशय कैंसर को लेकर नई वैक्सीन और किसने बनाई है और इसका क्या नाम है नया और इससे संबंधित अन्य पहलुओं को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट ने उइगर मुसलमानों को लेकर चीन पर क्या आरोप लगाए हो, क्या करने को कहा है। आज हम परमाणु संयंत्र की वर्किंग को भी देखेंगे कि परमाणु संयंत्र कैसे काम करते हैं। फिर हम देखेंगे कि क्या होता है बेल आउट पैकेज जो IMF ने श्रीलंका को देने की जो बात चल रही है। फिर हम स्वेज नहर से संबंधित कुछ पहलुओं को देखेंगे, इसके इतिहास को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि आदि मानव को लेकर क्या है नया अनुसंधान और इससे लेकर संबंधित क्या है नए पहलुओं और क्या रहे थे आदि मानव के विलुप्ति के कारण और इनसे संबंधित अन्य पहलुओं को भी देखेंगे। फिर देखेंगे हम कि डिजिटल भुगतान में बना भारत विश्व गुरु। फिर देखेंगे हम GST से संबंधित कुछ पहलुओं को कि भारत का जो संग्रह अगस्त में 1.4 लाख करोड़ रुपए के पार, तो IGST, SGST, UTGST इन सबसे संबंधित पहलुओं को हम देखेंगे। फिर हम स्वेज कैनाल को देखेंगे एक बार, स्वेज कैनाल के इतिहास के बारे में जानेंगे, स्वेज कैनाल की उपयोगिता के बारे में जानेंगे और स्वेज नहर से व्यापार के बारे में देखेंगे। हम गूगल मैप का उपयोग करेंगे, उसके बाद हम GST के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम न्यूक्लियर रिएक्टर की वर्किंग को समझने का प्रयास करेंगे, फिर पीरियोडिक टेबल से संबंधित कुछ पहलुओं को देखेंगे और फिर फिजन और फ्यूजन की जो क्रियाविधि है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आज हमारा पूरा एक तरह से चर्चा का विषय रहेगा। तो हम शुरुआत करते हैं हमारी पहली खबर से कि भ्रष्टाचारियों को बचाने को हो रही है कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहीं ना कहीं जो केरल के कोची में गुरुवार को जो रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं के उद्घाटन के समारोह में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार को लेकर जो विपक्ष एकजुट होता जा रहा है। तो कोची के में देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को भी कहीं ना कहीं समर्पित किया जाएगा। PM औपनिवेशिक अतीत को खत्म करते हुए नए नौसेना ध्वज निशान का भी कहीं ना कहीं अनावरण करेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारी जो नौसेना का जो औपनिवेशिक ध्वज था उसको कहीं ना कहीं बदलेगा, जिससे कहीं ना कहीं जो मानसिक गुलामी थी अंग्रेजों की कहीं ना कहीं उससे निजात मिलने में भी कहीं ना कहीं एक तरह से मददगार साबित होगा, ताकि जो हमारे मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं जो औपनिवेशिक गुलामी की एक तरह से जो छाप लग चुकी है उसे हटाने में मदद महत्वपूर्ण साबित होगा। कि NIA ने दाऊद पर रखा 25 लाख रुपए का इनाम। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने 1993 के मुंबई श्रृंखलाबद्ध बम धमाके के मुख्य आरोपी और भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करने के लिए और किसी अगर कोई सूचना देता है तो कहीं ना कहीं उस पर 25 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी दाऊद इब्राहिम को वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। दाऊद इब्राहिम ने को कहीं ना कहीं जो संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित किया है, ये कहीं ना कहीं आतंकवादी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क डी कंपनी चलाता था। तो दाऊद इब्राहिम था वो आतंकी आपराधिक गतिविधियों जैसे कि हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थ की तस्करी, अंडरवर्ल्ड आपराधिक गिरोह चलाने, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद के लिए पैसे जुटाने के खातिर अहम संपत्तियां अनाधिकृत तरीके से कहीं ना कहीं कब्जे में रखने का काम भी करता था। कहीं ना कहीं इसके जो संबंध है वो लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद अलकायदा से थे, जिसको लेकर कहीं ना कहीं NIA ने इस पर कहीं ना कहीं एक तरह से 25 लाख रुपए का इनाम रखा है कि कोई भी इसकी जानकारी देता है तो उसे कहीं ना कहीं 25 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाएगी।
अब ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी है या सुरक्षा से संबंधित जो चिंताएं होती है उनको देखकर कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण होता है कि किस तरह से राष्ट्रीय जांच एजेंसी काम कर रही है और कौन कौन से आतंकवादी हैं जो भारत में कहीं ना कहीं सांप्रदायिक हिंसा है, आतंकवाद गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, इनसे किस तरह से निपटा जा सकता है और कौन कौन लोग इनमें लिप्त होते हैं, कौन सा देश इनकी कहीं ना कहीं बाहरी रूप से मदद करता है और किस तरह से ये फल फूल रहे हैं देश के अंदर, तो इस लिहाज से हमको उसको देखना है। मिराज, जगुआर और MiG-29 की जगह लेंगे स्वदेशी LCA Mark II, कहीं ना कहीं जो स्वदेशी लड़ाकू विमानों के विकास को बढ़ावा देने के लिए पहल के तहत कहीं ना कहीं जो सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट समिति यानी CCS ने बुधवार को कहीं ना कहीं जो LC है यानी हल्का लड़ाकू विमान Mark II को विकास को मंजूरी दे दी है। ये विमान वायुसेना में मिराज 2000, जगुआर और MiG-29 विमान की जगह लेंगे। तो कहीं ना कहीं इनका उद्देश्य क्या है कि किस तरह से हम मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, किस तरह से रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बना जाए, किस तरह से जो उनके इक्विपमेंट है, उनके पार्ट्स है, उनकी टेक्नोलॉजी है वो भारत में ही विकसित की जाए, ताकि जो ये विदेशों से जो हम खरीद रहे हैं फाइटर प्लेन से, एयरक्राफ्ट से, तो उनसे कहीं ना कहीं जो हमारा पैसा होता है वो बाहर न जाकर देश के अंदर ही रहे, देश के लोगों को रोजगार मिले, देश का ही अगर मान लीजिए कभी सामरिक स्थिति पैदा होती है या रणनीतिक स्थिति के लिए कहीं ना कहीं भारत को आत्मनिर्भर और स्वदेशी टेक्नोलॉजी को अपनाना ही होगा, ताकि युद्ध के समय हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाना ना पड़े। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो ये आधुनिक माध्यमिक लड़ाकू विमान है उनको भारत में विकसित किया जाएगा, ताकि कहीं हम दूसरे देशों पर निर्भर न रह सके। दोधारी नीति, तो हम देख लेते हैं कि जो दोधारी तलवार से कहीं ना कहीं ये दोधारी नीति निकली, तो दोधारी तलवार का मतलब होता है कि ऐसा कुछ जिसके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिणाम हो सकते हैं उसे कहीं ना कहीं दोधारी नीति कहते हैं। अब भारत की दोधारी नीति क्या है? कहीं ना कहीं एक तरह तो हम अमेरिका के साथ ज्यादा से ज्यादा कहीं ना कहीं जो सैन्य वार्ताएं वो कर रहे हैं, और दूसरा है कि हमारी रूस के साथ जो पुरानी दोस्ती वो भी ना बिगड़े तो उसके साथ भी कहीं ना कहीं हम सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। तो हाल ही में कहीं ना कहीं जो वोस्टोक 2022 से वो कहीं ना कहीं जो रूस में सैन्य अभ्यास हुआ उसमें भारत ने भाग लिया है, तो कहीं ना कहीं भारत की जो नीति है वो अमेरिका के साथ भी रहे और रशिया के साथ भी रहे, क्योंकि अमेरिका और रशिया दोनों एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं, तो भारत दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक तरह से सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, ताकि कहीं ना कहीं जो भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेटिक कूटनीति है, वो दोनों देशों के साथ बनी रहे, ताकि किसी भी देश के साथ भारत जो अपनी तटस्थता की नीति है उसे बरकरार भी रख सके और ना तो अमेरिका के पाले में जाए और ना रशिया के पाले में जाए, भारत ही अपनी एक तरह से स्वतंत्र विदेश नीति को बरकरार रख सके। और अमेरिका के साथ भी कहीं ना कहीं आने वाले समय में 2+2 वार्ता के साथ ही कहीं ना कहीं जो क्वाड जो ग्रुप था, जापान भारत अमेरिका, वो ऑस्ट्रेलिया के गठबंधन के तहत कहीं ना कहीं जो भारत है जापान के साथ अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें क्या होता है कि जो भारत के जो विदेश मंत्री होते हैं और जो रक्षा मंत्री होते हैं उसी तरह जो दूसरा देश है जैसे जापान है अमेरिका की, तो उनके जो रक्षा मंत्री होंगे और जो विदेश मंत्री होंगे वो आपस में मिलकर बातचीत करेंगे। इसलिए क्या कहा 2+2 यानी 2 भारत के और 2 अमेरिका के, तो दोनों मिल रहे हैं तो क्या बोला 2+2। तो इस तरह से हमको इसको देखना है कि भारत की क्या है दोधारी नीति और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और ये भारत की विदेश नीति का किस तरह से हिस्सा है, इस तरह से हमको इसको देखना है, क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें महत्वपूर्ण अगर हम इसका जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका जो प्रभाव है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जलवायु परिवर्तन और वैश्विक खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर दक्षिण एशिया चिंतित। अभी हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों होता है कि जैसे हम रोजाना खबर देखते हैं कि उसमें कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन, वैश्विक खाद्यान्न आपूर्ति, फूड सिक्योरिटी, खाद्यान्न संकट, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पर्यावरण से, जलवायु परिवर्तन से उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं उससे संबंधित है, कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है वो हर देश को कहीं ना कहीं प्रभावित करता जा रहा है, कि बेमौसम बारिश, बाढ़ की घटनाएं, सूखे की घटनाएं, जो आर्कटिक जो बर्फ है वो पिघलते जा रहा है, समुद्र का जो जल स्तर है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो ये जो बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया की पहल ने कहीं ना कहीं इस तरह से बताया कि जो दक्षिण एशिया में कहीं ना कहीं खाद्य वैश्विक खाद्यान्न आपूर्ति को लेकर एक तरह से चिंता आई है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि हाल ही में जो पाकिस्तान में बाढ़ की विभीषिका आई हुई है, जिससे कहीं ना कहीं जो
पाकिस्तान ने वो जो अभी अंतर्राष्ट्रीय समारोह हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसमें परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं उन्नत प्रजाति के बीच कृषि तकनीक, आधुनिक वैज्ञानिक जो टेक्नोलॉजी है, वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण के लिए कहीं ना कहीं उसने मदद की गुहार लगाई है। भारत के सहयोग से जो गठित बोरलॉग इंस्टीट्यूट फॉर साउथ एशिया यानी बिसा जो द्वारा आयोजित 2-3 समारोह में हिस्सा लेते हुए कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ने जलवायु परिवर्तन के कुप्रभाव का विस्तार से जिक्र किया है। गेहूं समेत अन्य फसलों की कहीं ना कहीं जो उत्पादकता पूरी तरह से प्रभावित हुई है, खाद्यान्न का संकट जो है गहराने लगा है। इस समारोह में कहीं ना कहीं जो भारत है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, भूटान है और नेपाल शामिल हुए थे। इसमें कहीं ना कहीं जो बिसा के जो डायरेक्टर जनरल थे उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, कोविड-19 युद्ध के चलते कहीं ना कहीं जो खाद्यान्न आपूर्ति पूरी तरह बाधित हुई है, इसके दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। इससे दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो खाद्य सुरक्षा की जो समक्ष चुनौती है वो लंबे समय तक बनी रह सकती है यदि हमने इस पर प्राथमिकता के साथ ध्यान नहीं दिया तो। भारतीय उपमहाद्वीप के इन देशों में भारत को छोड़कर बाकी सभी देशों में कहीं ना कहीं खाद्यान्न के संकट से जूझ रहे हैं। श्रीलंका में तो जैसे हमें पता ही है कि श्रीलंका में एक तरह से खाद्यान्न संकट से कहीं ना कहीं आंतरिक अशांति की स्थिति पैदा हो गई है। पाकिस्तान में भीषण महंगाई आई हुई है क्योंकि कहीं ना कहीं वहां भी बाढ़ की हालत आई है जिससे कहीं ना कहीं फसलें हैं, घर है, सब कहीं ना कहीं एक तरह से तबाह हो गए हैं। बांग्लादेश कहीं ना कहीं खाद्य सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। वह भारत से कहीं ना कहीं वहाँ गेहूं, चावल, चीनी सर्वाधिक आपूर्ति की जाती है। हिमालय देश नेपाल, भूटान भी कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के साथ कहीं ना कहीं एक तरह से वैश्विक आपूर्ति बाधित होने से भी कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। जलवायु परिवर्तन से कहीं ना कहीं जो गेहूं की पैदावार में भी भारी गिरावट आई है। जरूरत से ज्यादा बारिश, बाढ़ ने खरीफ फसलों को चौपट कर दिया है। पाकिस्तान में कहीं ना कहीं जो कृषि क्षेत्र में आधुनिक टेक्नोलॉजी और कुशल वैज्ञानिकों की भारी कमी है और कहीं ना कहीं वहाँ पे फसलों की मैपिंग भी ना हो पा रही है। तो इसी को देखते ये तो हमें समझ में आ गया कि समस्या क्या है, अब इसमें थोड़े से हम समाधान क्या दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो खाद्य सुरक्षा के लिए आधुनिक जेनेटिक टेक्नोलॉजी, डिजिटल व अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग पर जोर देना होगा। मिट्टी व पानी का संरक्षण करना होगा। मौसम के अनुरूप तैयारी करनी होगी। कम्युनिकेशन सिस्टम से किसानों को लैस करना होगा। फसलों की मैपिंग करनी होगी और किसी न किसी तरह हमें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल अपना जो क्रॉपिंग पैटर्न है या जो कृषि कैलेंडर है उसको निर्धारित करना होगा। कहीं ना कहीं जो दुर्गा पूजा यूनेस्को की सूची में शामिल, जो पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं जो दुर्गा पूजा होती है उसको कहीं ना कहीं जो सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण होता है कि हाल ही में किसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में जो दुर्गा पूजा होती है उसको यूनेस्को की जो विरासत सूची में शामिल कर लिया गया है। 200 से 400 रुपए में मिलेगी गर्भाशय कैंसर की वैक्सीन, तो SII के CEO ने दी जानकारी। तो कहीं ना कहीं जो विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा सरकार हर किसी तक वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित करेगी। गर्भाशय कैंसर की रोकथाम के लिए देश को पहली स्वदेश में ही विकसित क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV यानी क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV वैक्सीन को अगले कुछ महीनों में मिल जाएगी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO ने, कि जो आधार पूनावाला ने गुरुवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि लोगों को यह वैक्सीन 200 से 400 रुपए के बीच उपलब्ध कराई जाएगी और जो वैक्सीन का जो जो पूर्णता की घोषणा करने के बाद आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए जो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि वैक्सीन सस्ती होगी और सरकार आम लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करेगी। अब यहाँ पर जो वैज्ञानिक पूर्णता की मतलब क्या होता है कि वैक्सीन से संबंधित अनुसंधान और विकास यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की गतिविधियां पूरी हो गई। अब अगला कदम वैक्सीन का उत्पादन यानी प्रोडक्शन और लोगों को उपलब्ध कराने का होगा। जो ये जो वैक्सीन है वो किससे संबंधित है, तो गर्भाशय कैंसर से। तो कहीं ना कहीं और इसका जो सीरम ने यह स्वदेश वैक्सीन बना रहा है और उसे कहीं ना कहीं जो सर्वव्यक ब्रांड नाम दिया है। तो इस तरह से हमको देखना है कि भारत जो फार्मेसी के स्तर पर कहाँ है, भारत ने फार्मेसी के लिए या जो गरीबों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उनके लिए क्या क्या कदम उठा रहा है। तो इस तरह से हमको इसको खबर को देखना है क्योंकि
यहां से महेश के लिया से नहीं बल्कि रिलायंस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि हाल ही में भारत ने कौन सी जो वैक्सीन का निर्माण किया है। इस तरह से भारत के लिए अहम है ताइवान की सुरक्षा नीति। तो ये कहीं ना कहीं जो विचार है आप इसे जरूर देखिएगा कि भारत की ताइवान को लेकर क्या नीति और ताइवान की भारत को लेकर क्या नीति, ताइवान भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सेमी कंडक्टर का भी इस उपयोग आएगा। अंतिम रूसी कम्युनिस्ट नेता गोरबचेव और भारत और यूएसएसआर के संबंध हैं उनके बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। फॉरेंसिक जांच का महत्व कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है तो उसे देखेंगे किस तरह से ये जो जो क्राइम होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक एविडेंस बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है और किस तरह से जो कोर्ट्स यानी जो न्यायालय में जो पेंडेंसी केस होती है उससे किस तरह से ये काम करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। जो मूडिस ने 2022 के विकास दर के अनुमान को घटाकर 7.7% किया तो ये जो मूडिस इन्वेस्टर सर्विसेज ने भारत की जो विकास दर है के अनुमान को साल 2022 के लिए जो घटाकर 7.7% कर दिया। अब ऐसा क्यों किया है तो कहने के जो ब्याज दरों में वृद्धि के अनुमान को लेकर कहने के जो हमारे निवेश में भी उसका असर पड़ेगा। दूसरा है कि कमजोर मानसून की और वैश्विक विकास दर की रफ्तार धीमी होने की वजह से कहने के जो मूडिस इन्वेस्टर्स ने जो भारत की विकास दर है उसको घटा दिया है। कहने के आरबीआई भी कहने के जो महंगाई को एक बड़ी चुनौती मान रहा है और कहने के महंगाई और आर्थिक विकास के बीच में संतुलन स्थापित कर रहा है तो इससे कहीं ना कहीं निवेश भी प्रभावित होता है कि एक तरह तो हम महंगाई को नियंत्रित कर रहे हैं और दूसरा उसका असर है कि कहीं ना कहीं हम मार्केट में लिक्विडिटी रोकना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उसका असर निवेश पे पड़ेगा और निवेश पे पड़ने से कहीं ना कहीं जो विकास दर है वो भी प्रभावित होती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। डिजिटल भुगतान में भारत बना विश्व गुरु। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डिजिटल भुगतान और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के मामले में भारत विश्व गुरु बन गया है। भारत ने जर्मनी जैसे देश को भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। भारत में प्रतिदिन औसतन 28.4 करोड़ जो ट्रांजेक्शन है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन के थ्रू होते हैं जो विश्व भर में सबसे अधिक है और डिजिटल ट्रांजेक्शन में चीन दूसरे और अमेरिका तीसरे नंबर पर आता है। और पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कहीं ना कहीं 9.5 करोड़ लाभार्थियों को सीधे बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू जो पैसा है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। तो अब हमें देखना है कि किस तरह से जो डिजिटल भुगतान है वो कार्य कर रहा है। यूपीआई है, एनईएफटी है, आरटीजीएस है, तो इससे संबंधित जो हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी संबंधित होता है। फिर हमें देखना है कि जो डिजिटल इंडिया है, जो मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, और किस तरह से भारत को 2047 तक विश्व गुरु बनाने में जो डिजिटल इकोनॉमी है और दूसरा ई गवर्नेंस में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका क्या उपयोग हो सकता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने किस तरह से जो भ्रष्टाचार को कम करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और किस तरह से इसने जो सब्सिडी है और जो करप्शन होता था उसको कहीं ना कहीं एक तरह से कम करने में भी महत्वपूर्ण साबित की है। और दूसरा है कि इसने किस तरह से आर्थिक विकास में मदद साबित की है और इसने किस तरह से डिजिटल इंडिया की तरह जो जीएसटी लाया गया है तो कहीं ना कहीं एक तरह से हमको इस लिहाज से देखना है। लगातार 6 महीने जीएसटी संग्रह 1.4 लाख करोड़ के पार। तो अगस्त में 1,43,612 करोड़ रुपए का रहा कर संग्रह और पिछले महीने से 28% की रही वृद्धि दर। तो कहीं ना कहीं जो अगस्त में कहीं ना कहीं जो 1.40 लाख करोड़ से अधिक रहा हमारा क्या जीएसटी संग्रह। अगस्त में कहीं ना कहीं जो 1,43,612 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह रहा। तो जीएसटी में बढ़ोतरी जारी है। अब हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या होता है कि जीएसटी में बढ़ोतरी जारी इसका क्या मतलब है हमारे लिए। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब होता है कि मांग में मजबूती है क्योंकि जीएसटी संग्रह का सीधा तौर पर वस्तुओं की बिक्री से जुड़ा होता है कि जितनी ज्यादा वस्तुएं बिकेगी तो कहीं ना कहीं सरकार को उन पे उतना ही ज्यादा टैक्स कलेक्शन होगा और वस्तुएं नहीं बिकेगी तो उन पे टैक्स कलेक्शन भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि हम जब बिक रही है इसका मतलब कोई डिमांड कर रहा है तो कहीं ना कहीं इससे जो जीएसटी संग्रह उसमें भी बढ़ोतरी हुई। तो कहीं ना कहीं जो अगस्त में जो जीएसटी में कहीं ना कहीं जो ये बढ़ोतरी हुई है तो इसका ये संकेत होता है। अब दूसरा है कि जीएसटी में जो सीजीएसटी यानी सेंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स की हिस्सेदारी कहीं ना कहीं 24,710 करोड़ रुपये रही। एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी की हिस्सेदारी लगभग 30,951 करोड़ रुपये रही। तो आईजीएसटी की हिस्सेदारी 77,782 करोड़ रुपये रही।
और कहीं के जो सेस में भी यानी जो टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है उसमें 10,168 करोड़ रुपए की वसूली की गई। और कहीं के ये सुधार कैसे आए, तो कहीं के ईवीए बिल यानी किसी तरह से ईज ऑफ डूइंग करना, ईज ऑफ लिविंग करना। दूसरा है कि जो भारत का मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स है वो भी कहीं के 56.2 रहा है। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यानी जो परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स अगर 50 से ऊपर रहता है, इसका मतलब है कि मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी हो रही है, और 50 से कम होने का मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें गिरावट हो रही है। अब मैन्युफैक्चरिंग में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही, अब प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्शन क्यों होता है? सीधी सी बात है कि डिमांड अगर कोई करेगा तभी तो प्रोडक्शन बढ़ाएगा, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं जीडीपी बढ़ेगी। अब जीडीपी क्या होती है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होते हैं, यानी जितनी ज्यादा वस्तुएं करेंगे प्रोड्यूस करेंगे, जितनी ज्यादा सर्विस प्रोड्यूस करेंगे तो उसी हिसाब से कहीं ना कहीं जो जीडीपी है वो बढ़ता जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर जीडीपी बढ़ रहा है यानी जो सेवा है गुड्स अगर बिक रहे तो सीधी सी बात उससे टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी होगी, और दूसरा है कि हमारा संग्रह है उसमें भी बढ़ोतरी होगी। तो हम देख लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ जीएसटी इन इंडिया और वैलिड ऑन और कलेक्टेड बाय यानी कौन उनको संग्रहित करता है, कौन किस पर वैलिड होता है और कितने प्रकार के, तो चार तरह के हो गए। एक तरह से हो गया सी जीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसको कौन वैलिड कहाँ रहता है, तो कहीं ना कहीं इंट्रा स्टेट से यानी स्टेट के अंदर। और दूसरा इसको कलेक्ट कौन करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। फिर तो दूसरा एस जीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहाँ लगता है, तो स्टेट के अंदर लगता है यानी इंट्रा स्टेट कौन वसूल करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। फिर आई टी जीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो किधर लगता है, तो इंटर स्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के जाने पर यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर जो व्यापार होता है उस पर लगता है, कौन वसूल करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर आता है यूटी जीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो कौन वसूल मतलब कहाँ लगता है, तो यूनियन टेरिटरी में लगता है। और कौन वसूलता है, तो कहीं ना कहीं यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट वसूल करती है इसको। इस लिहाज से हमको इसको देखना है। चीन में मुस्लिमों का घोर उत्पीड़न हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो चीन में उइगर मुसलमानों को अवैध तरीके से हिरासत में रखने और उनका घोर उत्पीड़न करने की रिपोर्ट आई है, और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की यह रिपोर्ट कई आई है इन्होंने जारी की। तो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट से जमीनी सच बेपर्दा, उइगरों और अन्य मुसलमानों पर तरह तरह से हो रहा अत्याचार, अमेरिका ने कहा सुनियोजित नरसंहार, और जर्मनी की गंभीर चिंता, जर्मनी ने कहा एक तरह से गंभीर चिंता है। तो कहीं के जो सांस्कृतिक और भाषाई दृष्टि से तुर्की के करीब उइगर मुसलमान चीन के शिनजियांग प्रांत में रह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आतंकवादी नियंत्रण के नाम पर चीन 1.5 दशक से उइगरों पर हर तरह के अत्याचार कर रहा है, धार्मिक गतिविधियों को बाधित कर रहा है, कहीं ना कहीं उनके विकास को रोक रखा है, उनकी आबादी बढ़ने को रोक रहा है, कहीं ना कहीं पुरुषों की जो उइगर पुरुष है उनकी नसबंदी कर रहा है। दूसरा है कहीं ना कहीं जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध के नाम पर कहीं ना कहीं इस तरह से उन पर हिंसा कर रहा है। तो रिपोर्ट में मांग की गई है कि चीन सरकार अवैध हिरासत में रखे गए लोगों को रिहा करे और मुस्लिम समुदाय के जो लोगों के अधिकार को बहाल करे। कहीं ना कहीं जो चीन है उनसे बलपूर्वक कहीं ना कहीं पर्व नियोजन करा रहा है, जो मुस्लिम परिवारों पर कहीं ना कहीं जो परिवार नियोजन के लिए दबाव डाल रहा है, कहीं ना कहीं मुस्लिमों का जो संतान उत्पत्ति है के अधिकार का हनन कर रहा है, उनके रोजगार को कहीं ना कहीं एक तरह से बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। तो इसी से लेकर कहीं के जो अमेरिका था उसने कहीं ना कहीं जो चीन के जो उत्पाद थे उन पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगा दिया था कि कहीं ना कहीं जो जो चीन है कहीं ना कहीं बंधुआ मजदूरी करा रहा है किससे, उइगर मुसलमानों से, इसलिए हम उसके जो सामान है उसको नहीं खरीदेंगे। कहीं ना कहीं जो चीन है और भारत ने इस पर क्या रुख रखा है, तो भारत ने सिर्फ इतना कहा है कि शिनजियांग प्रांत में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव का भारत गंभीरता से लिया है, भारत ने कहीं ना कहीं भारत की पैनी नजर है उस पर। अब हमने ये पढ़ लिया लेकिन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण होती है, जो चीन का जो शिनजियांग प्रांत है हमारे ऊपर है तो किस तरह से जो ये भारत की विदेश नीति को प्रभावित करता है, क्योंकि अगर मान लीजिए हम मुसलमानों के उत्पीड़न पर कुछ नहीं बोलते तो कहीं ना कहीं जो मिडल ईस्ट की कंट्री है भारत पर एक तरह से दबाव लगाती है कि आप जो मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। और यदि और दूसरा है कि कहीं ना कहीं जो हमारे जम्मू कश्मीर को लेकर भी कहीं ना कहीं इसके जो कनेक्शन जुड़े हुए हैं। तो दूसरा है कि इस तरह से हमें देखना है कि किस तरह से ये भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर सकती है, भारत के हितों को प्रभावित कर सकती है, और किस तरह से ग्लोबल सिनेरियो में यानी जियो पॉलिटिक्स में इसका महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और कहीं ना कहीं जो मानव अधिकार को लेकर इतनी बड़ी जो बहस छिड़ी हुई है उसमें आज भी कहीं ना कहीं जो
जो चीन ने अपनी मनमानी किए हुए हैं, जो वहाँ के मानव अधिकार हैं उनका उल्लंघन किया जा रहा है अपनी मनमानी तरीके से, कहीं ना कहीं जो उनके जो अधिकार है उइगर मुसलमानों के, उनका कहीं ना कहीं एक तरह से दोहन कर रहा है, उनसे बंधुआ मजदूरी करा रहा है। तो कहीं ना कहीं अभी ये सब दिखाता है कि आज भी कहीं ना कहीं जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार जो संस्था है, कहीं ना कहीं अपने कार्यों में कहीं ना कहीं एक तरह से विफल रहा है। अभी तक जो चाइना पर इसका कोई दबाव नहीं बनाया गया ताकि वो इस तरह के जो कार्य उनको बंद करे। तो जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पहुंचे संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षक। जापोरिजिया परमाणु संयंत्र जो यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, अभी हर दिन चर्चा में क्यों बना हुआ है, क्योंकि इसके आसपास जो गोलाबारी और जो युद्ध से संबंधित जो घटनाएं हो रही, तो इसको लेकर कहने के जो पूर्व में 1986 में जो चेरनोबिल की घटना हुई थी, तो उसमें क्या रेडिएशन के जो रिसाव से कहने के जो आसपास के जो लोग थे वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। तो उसी को देखते हुए कहने की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अगर मान लीजिए जापोरिजिया परमाणु संयंत्र में अगर ऐसा हादसा होता है तो ये यूरोप के कितने लोगों को प्रभावित करेगा, जैसे हमने जापान में देखा था जो वहां पर फुकुशिमा रिएक्टर में जो दुर्घटना हुई थी उससे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे। तो इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जो ये टीम है, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की टीम है, वहां निरीक्षण करने के लिए पहुंची है ताकि उसकी जो सुरक्षा इंतजाम का पुख्ता जायजा लिया जा सके और जो सुरक्षा संबंधित चिंताएं उनको देखे और कहने के जो उसकी सुरक्षा बढ़ाई जा सके ताकि किसी भी आपात स्थिति में उससे निपटा जा सके। तो हम देख लेते हैं कि जो परमाणु संयंत्र उसकी वर्किंग क्या होती है। तो पहले देख लेते हैं कि दो तरह की होती है, एक तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और एक न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, यानी फिजन और फ्यूजन। तो फ्यूजन में क्या होता है कि जो ये यूरेनियम हो गया और इसके अंदर एक न्यूक्लियर से कहीं ना कहीं दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं जो बेरियम और क्रिप्टोन निकलता है और कहीं ना कहीं तीन न्यूट्रॉन निकलते हैं और यहीं से कहीं ना कहीं एक तरह से जो एनर्जी रिलीज होती है। और दूसरा होता है फ्यूजन, जिसमें क्या करते हैं कि कंबाइन किया जाता है टू लाइट न्यूक्लियर को, जो कहीं ना कहीं एक तरह से हैवी न्यूक्लियर फॉर्म करते हैं, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन को मिलाकर कहीं ना कहीं हीलियम फॉर्म हो रहा। अब यहाँ और इसका जो मास है 3 है और इसका 4 हो रहा है, कहीं ना इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। तो इस तरह से हमको देखना, अब यही दोनों टेक्नोलॉजी है जिनका इस्तेमाल करते हैं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर। तो अभी जो इस्तेमाल कर रहे हो कौन सी कर रहे, तो फिजन करेंगे ताकि जो यूरेनियम है उसका कहने के जो एक न्यूक्लियस है उसका कहने का एक तरह से उससे कंबाइंड करा जाएंगे, यानी उस पर स्प्लिट करेंगे। तो अभी देख लेते हैं हम इसकी जो प्रोसेस, ये न्यूक्लियर रिएक्टर का एक तरह से स्ट्रक्चर हो गया। तब ये काम कैसे करता है कि सबसे पहले न्यूक्लियर एनर्जी होती है जो किसमें स्टोर होती है, तो जो न्यूक्लियस होता है एटम का उसके अंदर होती है। फिर उसमें क्या करते हैं, एक न्यूक्लियस से स्प्लिट कराया जाता है। फिर कहीं ना कहीं जो हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो हीट एनर्जी से कहीं ना कहीं जो पानी है वो गर्म होता है और पानी गर्म होकर कहीं ना कहीं स्टीम बनता है। और उस स्टीम का प्रयोग करते हैं हम क्या करते हैं कि उस स्टीम को घुमाते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और काइनेटिक एनर्जी से कहीं ना कहीं फिर हम उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और फिर उस एनर्जी को कहीं ना कहीं हम ग्रिड के थ्रू पूरे जो शहर है देश है जहाँ भी पहुँचाना है वहाँ पहुँचाते हैं। तो हम इसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग देख लेते हैं कि ये हो गया कंट्रोल रोड, यानी ये एक तरह से इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब सबसे पहले ये हो गया रिजर्वायर, यानी पानी का स्रोत हो गया एक तरह से। अब यहाँ से कहने को जो कूलिंग वाटर आ रहा, अब कूलिंग वाटर आ रहा ये इसके अंदर होते हुए पंप के थ्रू होते हुए कहीं ना कहीं कहाँ जा रहा है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर जा रहा। और यहीं कहने का जो यूरेनियम रखा जाता है और उसी पे कहने का जो न्यूक्लियस होता है यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे कहने की बौछार की जाती है, जिससे क्या होता है कि वो स्प्लिट होता है यूरेनियम, किसमें बेरियम और क्रिप्टोन में स्प्लिट होता है। और उसके दौरान कहने का जो एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी का क्या किया जाता है कि उस एनर्जी से जो पानी रहता है उसे क्या गर्म किया जाता है। अब जैसे हमें पता है कि अगर पानी गर्म होता है तो कहीं ना कहीं स्टीम बन जाता है, और स्टीम को हम उपयोग कैसे करते हैं, तो इस स्टीम को जो ये स्टीम जनरेटर लगा हुआ है यहाँ से स्टीम जाएगी और स्टीम कहीं ना कहीं जिस टर्बाइन पड़ेगी तो टर्बाइन घूमने लग जाएगा, और टर्बाइन घूमेगा तो कहीं ना कहीं ये जनरेटर लगा हुआ है तो जनरेटर से कहीं ना कहीं जो फिर इलेक्ट्रिसिटी होगी उसको कहीं ना कहीं तो जो ग्रिड होता है नेशनल ग्रिड उस तक पहुंचाया जाएगा और उस ग्रिड के थ्रू सारी जगह सप्लाई कर दी जाएगी। अब जैसे यहाँ से स्टीम है, फिर स्टीम को कहीं ना कहीं ठंडा किया जाएगा, ठंडे करने के बाद उसको पानी में फॉर्म किया जाएगा और फिर पानी को वापस किसमें रिजर्वेयर में छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलती रहती है इसकी। ये तो इस तरह से हमको देखना है कि किस तरह से न्यूक्लियर रिएक्टर काम करते हैं, हमारे जनरल साइंस के हिसाब से हमको इसको देखना है ताकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इससे संबंधित अगर प्रोसेसिंग आ जाए वर्किंग आ जाए तो हम कुछ इसके लिख सके कि किस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है। तो ये पीरियोडिक टेबल है। तो ये यूरेनियम है, ये रहा यूरेनियम 92238, यानी कौन सा है ये मेटल्स है, लेकिन कौन सा है एक्टिनोइड्स वाला। उसके बाद चलते हैं हम क्वार्ट्स
46 यानी जो बेरियम 36 को देख लेते पहले, जो क्रिप्टोन है एक तरह से, तो कहीं ना कहीं ये नोबल गैस है यानी नॉन मेटल से, जो रिएक्ट नहीं करता है किसी के साथ आसानी से, और ये बेरियम रह गया यानी 56 नंबर पर। और ये बेरियम है, ये अल्काइन अर्थ मेटल्स हो गए, ये हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन क्या, एक गैस है, तो जैसे गैस पे क्लिक किया तो हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन भी गैस है, कहीं ना कहीं हीलियम भी गैस है, और इसका मतलब सॉलिड, जो यूरेनियम है वो सॉलिड से, और जो बेरियम है वो भी कहीं ना कहीं सॉलिड है, और जो क्रिप्टोन है वो एक तरह से क्या होती है, गैस होती है। तो इस तरह से हमको इसको देखना है कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक जो सिंबल होता है वो 1 होता है, यानी H होता है, और एटॉमिक नंबर 1 होता है, और उसका वेट होता है 1। तो इस तरह से हीलियम का 4 हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया, इसका सिंबल Hc हो गया, और बेरियम का Be, क्रिप्टोन का Kr, और यूरेनियम का यू हो गया। इस तरह से हमको इसको देखना है। बढ़ते हम, पहले हम यहाँ देख लेते कि बेल आउट पैकेज क्या होता है। तो बेल आउट किसी कंपनी या देश को संभावित दिवालियापन के खतरे का सामना करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक सामान्य शब्द है। यह ऋण, नगद, बॉन्ड या स्टॉक खरीद का रूप ले सकता है। एक खैरात को प्रतिपूर्ति की आवश्यकता हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, और अक्सर इसके साथ अधिक से अधिक सरकारी पर्यवेक्षक और नियम होते हैं। बेल आउट का कारण एक ऐसे उद्योग का समर्थन करना है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाखों लोगों को प्रभावित कर सकता है और लंबे समय तक वित्तीय संकट के कारण दिवालिया होने की कगार पर जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए जो बड़ी राहत भरी खबर आई है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो IMF ने यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने गुरुवार को ऐलान किया है कि श्रीलंका को 2.9 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज देने की तैयारी कर दी गई है। कहीं ना कहीं 1948 में जो श्रीलंका आजाद हुआ था, तो कहीं जो श्रीलंका के प्राधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की टीम ने स्टाफ लेवल समझौते पर राजी हो गए, और इससे कहीं ना कहीं श्रीलंका को विस्तारित फंड सुविधा यानी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत 48 महीने के लिए 2.9 अरब डॉलर की मदद मिलेगी, जिससे कहीं ना कहीं जो श्रीलंका के ऋण स्थिरता कार्यक्रम को एक तरह से मजबूती भी मिलेगी। तो इस तरह से हमको इसको देखना है। अभी हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध से किस संबंधित है, क्योंकि भारत का पड़ोसी, अगर मान लीजिए श्रीलंका पर कुछ भी प्रभाव पड़ता है तो उसका सीधा सा असर कहीं ना कहीं भारत की विदेश नीति पर और भारत की कहीं ना कहीं जो क्षेत्र है उस पर इसका असर पड़ेगा। अगर यहाँ पे लंबे समय तक आर्थिक संकट रहता है तो कहीं ना कहीं इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो श्रीलंका का जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं भारत की तमिलनाडु से लगा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से समुद्र सीमा लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो श्रीलंका के जो लोग होते हैं वो तमिलनाडु में इंटर कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक तरह से जो पलायन की समस्या है, जो शरणार्थी की समस्या है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से हम भारत को प्रभावित करने लग जाएगी। इसलिए हमारे लिए जरूरी होता है कि भारत की इसको लेकर क्या नीति है। अब श्वेत नहर में फंसा जहाज घंटों बाधित रहा यातायात। तो हमें इस खबर को इस लिहाज से देखना है, हमारे एग्जाम प्रस्पेक्टिव से, कि जो श्वेत नहर है वो कहाँ है, किसको जोड़ रही है, और इसका इतिहास क्या है, और भारत के इतिहास में इसका किस तरह से एक तरह से रोल है। तो हमको इस तरह से देखना है। अभी हमें यहाँ नहीं देखना है कि जहाज फंसा है तो किसको कैसे निकाले, हमें दूसरे प्रस्पेक्टिव से इसको देखना है। तो पहले हम एक बार मैप देख लेते किसका, श्वेत नहर का। तो कहीं ना कहीं ये हो गया, ये मेडिटेरियन सी हो गया, और कहीं ना कहीं जो स्वेज नहर वो यहाँ पे हो गई, कौन से, रेड सी। और जो ये सिनाई पेनिनसुला किसका क्षेत्र है, तो ये कहीं ना कहीं इजिप्ट का क्षेत्र है, और ये ऐसा क्षेत्र है जो कहीं ना कहीं अफ्रीका को और एशिया को कनेक्ट कर रहा है। दूसरा है कि कहीं ना कहीं जो स्वेज कैनाल है पूरी तरह से कहीं ना कहीं जो मिस्र के अंदर, मिस्र के नियंत्रण में ये पोर्ट शहीद हो गया है, और ये पोर्ट स्वेज हो जाएगा। वो किसके और कहाँ, इसके जो पूर्व की साइड क्या क्षेत्र अवस्थित है, तो कहीं ना कहीं इसके पूर्व की साइड जो सिनाई पेनिनसुला अवस्थित हो गया, इसके पश्चिम की साइड मिश्र आ गया, और मिश्र में कौन सी नदी होकर बह रही है, तो कहीं ना कहीं नील नदी होकर बह रही है, और इसी के किनारे जो कायरा उसकी राजधानी है वो अवस्थित है। दूसरा है कि जो स्वेज कैनाल है, तो इसका अभी हम इतिहास देखेंगे, इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे, और जो सिनाई पेनिनसुला है कहीं ना कहीं ये किससे इसकी सीमा लग रही, तो कहीं ना कहीं यहाँ से गाजा स्ट्रिप हो गया, और ये इसराइल हो गया, और इधर जॉर्डन हो गया, और इधर सऊदी अरब हो गया है। यानी कि इस तरह से भी हमको देखना है कि सीरिया है, ये इराक है, और ये जो यूफ्रेटिस और टाइग्रिस नदी कहीं ना कहीं सीरिया से भी होकर गुजर रही है, और दूसरा इराक से भी होकर गुजर रही है, और फारस की खाड़ी में जाकर मिल रही है।
इस तरह से इसको हमको देखना है। अब हम श्वेत नहर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो कहीं ना कहीं मिस्र में कृत्रिम समुद्र स्तरीय जल मार्ग है अफ्रीका और एशिया को विभाजित करते हुए भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती हैं। 1858 में फर्डिनेंड डी लेसेप्स ने नहर निर्माण के व्यक्त उद्देश्य के लिए श्वेत नहर कंपनी का गठन किया था। नहर का निर्माण तुर्क साम्राज्य के तत्वाधान में सन 1859 से 1870 तक हुआ था, यानी कि लगभग 10 साल लगे थे। अब इसका इतिहास देख लेते हैं। तो नहर का प्रबंधन पहले स्वेज कैनाल कंपनी करती थी, जिसके में जो आधे शेयर फ्रांस के थे और आधे शेयर तुर्की, मिश्र और अन्य अरब देशों के थे। बाद में मिश्र और तुर्की के शेयरों को कहीं कि अंग्रेजों ने खरीद लिया। 1888 में एक अंतर्राष्ट्रीय उपसंधि के अनुसार यह नहर युद्ध और शांति दोनों कालों में सब राष्ट्रों के जहाजों के लिए बिना रोक टोक सामान के लिए कहीं आने जाने के लिए खुली थी, और ऐसा समझौता था कि इस नहर पर किसी भी राष्ट्र की सेना नहीं रहेगी। लेकिन किंतु क्या हुआ कि 1904 में अंग्रेजों ने इसे तोड़ दिया, इस समझौते की जो संधि की थी उसे तोड़ दिया और नहर पर अपनी सेनाएं बैठा दी, और उन्हीं राष्ट्रों को आने जाने की अनुमति दी जाने लगी जो युद्धरत नहीं थे। 1947 में स्वेज कैनाल कंपनी और मिश्र सरकार के बीच यह निश्चय हुआ कि कंपनी के साथ 99 साल का जो पट्टा है इसे रद्द हो जाने पर इसका स्वामित्व कहीं ना कहीं मिश्र सरकार के हाथों में आ जाएगा। लेकिन 1951 में मिश्र में ग्रेट ब्रिटेन के विरुद्ध आंदोलन छिड़ा और अंत में 1954 ईस्वी में एक करार हुआ, जिसके अनुसार ब्रिटेन की सरकार कुछ शर्तों के साथ नहर से अपनी सेना हटाने लेने पर राजी हो गई, और मिश्र ने इस नहर का 1956 में राष्ट्रीयकरण कर इसे अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। अब नहर की उपयोगिता देख लेते हैं। तो इस नहर के कारण यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका का सरल और सीधा मार्ग खुल गया है। लगभग 60,000 मील की दूरी की बचत हो गई है। अभी हम देखेंगे कि किस तरह से 60,000 जो दूरी की बचत है वो कह रहे हैं। और स्वेज नहर का जल मार्ग, कहीं ना कहीं स्वेज नहर बन जाने से यूरोप एवं सुदूर पूर्व के देशों के मध्य दूरी घट गई। नहर के कारण ही भारत तथा यूरोपीय देशों के बीच व्यापारिक संबंध प्रगाढ़ हुए। अब यही कहीं ना कहीं जो ये लाइन बोली है यही कहीं ना कहीं इतिहास से लिंक करती है कि भारत को जो लूटने में इस स्वेज नहर की क्या भूमिका रहती है, कि किस तरह से जो भारत से जो सामान है वो एक्सपोर्ट किया जाता था, इंग्लैंड से एक्सपोर्ट करते थे क्या रॉ मटेरियल, कहीं ना कहीं इंग्लैंड से जो फिनिश्ड गुड्स होते थे, प्रोडक्ट्स होते थे, भारत में कहीं ना कहीं आयात किए जाते थे, जिससे कहीं ना कहीं जो भारत के उद्योग धंधे पूरी तरह से अंग्रेजों ने नष्ट कर दिए। कहीं ना कहीं जो पहले अभी हम देखेंगे कि जो पुराना रूट था वो क्या था, और स्वेज नहर के आने से किस तरह से जो व्यापार में बढ़ोतरी हुई, लेकिन इसका भारत को फायदा नहीं मिला था उस समय। स्वेज नहर से व्यापार, तो स्वेज नहर मार्ग से फारस की खाड़ी के देशों से खनिज तेल भारत तथा अन्य एशियाई देशों से अभ्रक, लौह अयस्क, मैग्नीज, चाय, कहवा, जूट, रबर, कपास, ऊन, मसाले, चीनी, चमड़ा, खाले, सागवान की लकड़ी, सूती वस्त्र, हस्तशिल्प आदि पश्चिमी यूरोपीय देशों तथा उत्तरी अमेरिका को भेजी जाती है, तथा इन देशों से यानी किसे पश्चिमी यूरोपीय देशों से और उत्तरी अमेरिका से कहीं ना कहीं रासायनिक पदार्थ, इस्पात, मशीनें, कहीं ना कहीं जो उपकरण है, औषधियां हैं, मोटर गाड़ियां हैं, वैज्ञानिक उपकरणों आदि का आयात किया जाता है। तो इस तरह से हमको इसको देखना है। ये इसका कहीं ना कहीं हवाई दृश्य के ऊपर से लिया हुआ, कहीं ना कहीं स्वेज नहर की जो उत्तरी छोर पर स्वेज नहर का दक्षिणी टर्मिनस, और ये कहीं ना कहीं गूगल मैप से लिया हुआ है अर्थ से, और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है, पोर्ट सहित, और एंड पॉइंट कौन सा है, तो स्वेज पोर्ट है। अभी हम इसको मैप में भी देखेंगे जिसकी जो लेंथ है कितनी 193 किलोमीटर है। विलुप्त तो हो चुके आदि मानव के नहीं मिले डीएनए, तो कहने की जो कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर सहित 3 वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के में कहने के ये सामने आए हैं तथ्य। तो आदि मानव की खोज वर्ष 1856 में हुई थी, लेकिन आज भी कई मामलों में रहस्य बरकरार है। आदि मानव
40,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। जो कोपेनहेगन के जो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर है उन्होंने बताया कि जो आदिमानव 40,000 साल पहले ही विलुप्त हो गए थे, लेकिन पृथ्वी पर उनके डीएनए नहीं मिले। अब माना जा रहा है कि ये शोध आने वाले समय में आदिमानव के बारे में कई नए तथ्यों को उजागर करने में सहायक होगा। कहने की जो आदिमानव को मानव सभ्यता का प्रतिबिंब माना जाता है, तो इस तरह से हम उन्हें अपने पूर्वज मानते हैं। लेकिन ऐसे में अब जो किजरवर्क सहित जो तीन वैज्ञानिकों की यह खोज एक सवाल खड़ा करती है कि आदिमानव को नामो निशान यानी डीएनए न मिलना मिट गया तो मानव सभ्यता का विकास कैसे हुआ, और आदिमानव और मानव सभ्यता के बीच क्या रिश्ता रहा और ये रिश्ता कैसे बना। तो इस तरह के जो प्रश्न है आने वाले समय में एक तरह से हमारे लिए गुत्थी रहेंगे कि इनको किस तरह से सुलझाया जाए। अभी हुए अनुसंधानों के अनुसार जो होमो जो हेडलबर्गेसिस एक विलुप्त प्रजाति या पुरातन मानव की उपप्रजाति है, आदिमानव के पूर्वज थे और वे भूमध्य सागर से लेकर साइबेरिया तक क्षेत्र में फैले हुए थे। इनका दिमाग होमो सेपियंस यानी बुद्धिमान प्रजाति जिनका मानव सभ्यता से सबसे करीबी संबंध है से कहीं ना कहीं औसतन बड़ा था। भोजन संग्रह से लेकर जानवरों की खाल से कहीं ना कहीं कपड़े बनाए आदिमानव ने बड़े शिकार किए। उन्होंने खाना पकाने के लिए आग को नियंत्रित किया, जानवरों की खाल से कपड़े बनाए, गोलों से मोती बनाए और गुफा की दीवारों पर प्रतीकों को तलाशने में सक्षम थे। उन्होंने सामाजिक संरचना भी तैयार की, इसमें युवा बूढ़े और कमजोरों की देखभाल की, सुरक्षा के लिए आश्रयों का निर्माण किया। कठोर सर्दियों और गर्म ग्रीष्मकाल में रहते थे और उन्होंने अपने मृतकों को दफनाया। लगभग 14,000 साल पहले वह हमारे पूर्वजों से मिले थे और यूरोपीय महाद्वीप को भी इनके साझा किया। डेनमार्क के संग्रहालय में मौजूद है अवशेष 99.7% है समानता जो आदिमानव के जो विलुप्त होने के हजारों साल बाद भी धरती पर जो निशान छोड़े हैं वह डेनमार्क स्थित संग्रहालय में मौजूद है। संग्रहालय में मौजूद सबसे जो प्राचीन डीएनए से जब आदिमानव के जीनोम की मैपिंग की गई तो उसमें 99.7% समानता पाई गई और इस आधार पर निष्कर्ष निकाला गया कि वे हमारे सबसे करीबी विलुप्त रिश्तेदार हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो इनकी विलुप्त होने की तीन संभावित कारण है। पहला है कि हिमयुग के दौरान कहीं के जब पृथ्वी पर परिवर्तन का दौर चला तो जानवरों पौधों सहित उनके खाद्य स्रोतों पर दबाव पड़ा। आदिमानव उस बदलाव के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाए और धीरे धीरे खत्म हो गए, जैसे डायनासोर एकाएक इस धरती से विलुप्त हो गए। दूसरा क्या है कि आदिमानव की संख्या हजारों से अधिक नहीं थी, या होमो सेपियंस की तुलना में 5 से 15 व्यक्तियों के समूह में रहते थे और छोटी और पृथक आबादी होने की वजह से आनुवंशिक रूप से अस्थिर रहे। तीसरा है कि लगभग 60,000 साल पहले अफ्रीका में जिस मानव सभ्यता ने जन्म लिया यह धीरे धीरे उसमें आत्मसात हो गए और क्रमानुगत तरीके से उनके डीएनए में भी बदलाव आ गया। अब देख लेते कि मानव सभ्यता के लिए सीख, तो कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह निष्कर्ष दिया कि आदि मानवों का विलुप्तिकरण वर्तमान मानव सभ्यता के लिए एक सीख है। हजारों वर्षों तक इस धरती पर राज करने के बाद एक प्रजाति विलुप्त हो गई क्योंकि वह आने वाले खतरे को न तो भाप पाई और न ही उसके अनुरूप खुद को ढाल पाई। वर्तमान में मानव गतिविधियां भी पृथ्वी के जलवायु को बदल रही हैं और ऐसे में मानव सभ्यता को अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए सामूहिक प्रयास करना चाहिए। और आदि मानव का यह विलुप्तिकरण हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अस्तित्व को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इस तरह से हमको इस खबर को देखना, अभी हमारे प्राचीन भारत से किस तरह से मानव का विकास हुआ है और किस तरह से जो हमारे पूर्वज थे उनके रहन सहन था, किस तरह से उनका समाज था, कैसे उनकी आर्थिकी थी, किस तरह से वो खाना खाते थे और उनके विलुप्ति के कारण क्या थे, तो इस तरह से हमको देखना है क्योंकि हमारे जो एंशियंट हिस्ट्री है उससे संबंधित है। हमारा विश्लेषण यही समाप्त होता है। अब एक बार हम मैप को देख लेते हैं। तो ये हमारा प्यारा भारत हो गया, तो अब हम चलते हैं किस पे, स्वेज नहर पर। तो हम अरब सागर से होकर निकलेंगे। अरब सागर से होते कहाँ से निकलेंगे, तो गल्फ ऑफ एडन से। ये
सोकोट्रा यानी जो यमन का जो एक तरह से द्वीप हो गया। फिर हम चलते हैं आगे अडन गल्फ ऑफ अडन से होते हुए कहीं के जिबूटी, और जिबूटी से आगे चलते हैं और ये रेड सी हो गया, लाल सागर। इसकी सीमा कहाँ से लग रही है? तो जिबूटी है, इरिट्रिया है, कहीं ना कहीं सूडान है, इजिप्ट है, और इधर सऊदी अरब हो गया, और इधर चलते हैं हम कहीं ना कहीं सिनाई प्रायद्वीप आ गया, एक इसका मिश्र का। और ये नहर हो गई, कौन सी? स्वेज नहर। और इसके बीच में ग्रेट बिटर लेक आ गई है, ये लिटिल बिटर लेक। ये पोर्ट सहित, और ये पोर्ट स्वेज। और ये भूमध्य सागर हो गया। अब हम भारत और अंग्रेजों की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले वो कौन से रूट से आते थे? तो कहीं ना कहीं जैसे हम देखते हैं कि 1498 में जो वास्को डी गामा आता है, तो कहीं ना कहीं वो अफ्रीका के पश्चिमी साइड से होते हुए कहीं जो दक्षिण जो साउथ अफ्रीका है उसके केप टाउन जो केप ऑफ गुड होप है वहां से होते हुए कहीं ना कहीं मेडागास्कर या मोजाम्बिक, और जो मोजाम्बिक चैनल है यहीं से कहीं ना कहीं जो गुजरात का व्यापारी रहता है उसे कहीं ना कहीं ट्रेड कालीकट ले जाता है। यहाँ से यहाँ कालीकट पहुंचता है वो कहीं ना कहीं जो वास्को डी गामा रहता है। तो अब स्वेज कैनाल खुलने से क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे और जो यूरोप के व्यापारी थे अब वो ये रूट इस्तेमाल नहीं करने लगे। अब वो कौन सा रूट लेने लगे? तो कहीं ना कहीं यहाँ यूनाइटेड किंगडम से या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जिब्राल्टर से होते भूमध्य सागर। भूमध्य सागर में किसके इधर? बेल्टेरियक सी, और ये टेरियन सी, और कहीं ना कहीं आयोनियन सी या मेडिटेरियन सी होके हुए सी ऑफ क्रेटे। फिर कहीं ना कहीं जो स्वेज कैनाल से होते हुए रेड सी से होते हुए कहीं ना कहीं अरब सागर से होते कहीं ना कहीं भारत में एंटर करने लगे। और जो इन देशों की बात करें थे हम, तो कहीं ना कहीं पर्शियन गल्फ से होते हुए अरब सागर से होते हुए कहीं ना कहीं जो रेड सी से हुए कहीं ना कहीं यूरोप में और इधर अमेरिका में एक्सपोर्ट कर सकते हैं या करते हैं। क्योंकि अब ये जमीनी वाला रास्ता क्यों नहीं अपनाते? क्योंकि इस पे जो लागत है वो बढ़ जाती है, इसलिए जो समुद्र का जो रास्ता होता है वो सस्ता पड़ता है। इसलिए सभी देश कहीं ना कहीं जो सी रूट को ज्यादा प्रिफर करते हैं सामान, बड़े सामान के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए। तो इस तरह से हमको इसको देखना है, इस खबर को, किससे कौन से देश लग रहे हैं यहाँ पर, इसका इतिहास में क्या महत्वपूर्ण था, इसे किसने बनाया था। तो हमारा विश्लेषण यही समाप्त करते हैं।